तो ये भी मैसेज लोगों को आएगा, तो स्टूडेंट्स को भी गलत मैसेज जा रहा है। जो डिजर्व करते हैं, जो घर के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट कर उनको जिताइए। ये छपरी लोग हैं, ये बाहर आके फिर कॉन्ट्रोवर्सी करेगा, इसको कुछ काम नहीं है। उसकी शक्ल देखिए, लवकेश कटारी को क्या काम मिलेगा? आपको लग रहा है कोई मूवी या कोई एल्बम मिलेगा क्या? तो खाली पता नहीं कैसे आ गया वो। नहीं, लेकिन अगर हम बात करें, लवकेश को सपोर्ट करना चाहिए, सही बातें कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। विशाल काफ़ी पूरी तरह से टूट गया, साथ ही साथ उनके परिवार के जो लोग हैं, मम्मी पापा, वो भी काफ़ी टूट गए। आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, मुझे खुद अफसोस हुआ। मैं भी उनके साथी हूँ, जो विशाल की मम्मी का मैंने वीडियो देखा, रो रही हैं, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अगर मैं भी घर के अंदर होता तो मैं बहुत बुरा अरमान मलिक को जवाब देता। और मैं तो खुलेआम चैलेंज करूँ अरमान मलिक की हिम्मत है तो फैजान अंसारी पे कभी हाथ उठा के बताए, घर के अंदर हुए घर के बाहर, जब देखेंगे अगर हिम्मत। फैजान अंसारी सोलाश ना, इन लोगों के लिए आसान नहीं है सर, ये खाली कमजोरों पे हाथ उठाते हैं ये लोग, मैं पहले भी कह चुका हूँ। आप कैसे देखते हैं कि एलवी शाधव है जो आप उनको छपरी कह रहे, इतने बड़े लोगों को छपरी आप कैसे कह सकते? देखिए, उनके छपरी फैन नहीं, उसको छपरी बनाया। आप कभी भी आप उसका इतिहास कल आप मुनावर को भी बोल सकते छपरी। नहीं नहीं, मुनावर तो देखिए दिल जीता है, मुनावर से तो सब प्यार करते हैं, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ मुनावर के लिए, मैंने भी पहले लड़ाई करी है बिग बॉस घर में, अगर आपने मेरे इंटरव्यू देखे होंगे तो। छपरी लोगों ने उसको जिताया है, उसको बनाया है, और उसके बाद आप उसकी वे ऑफ टॉकिंग देखिए। आप मैं आपको इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई डॉक्टर, कोई पायलट, कोई इंजीनियर एलवी यादव को फॉलो नहीं करते हैं। आप खुद देख सकते हैं क्या हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा कि इंडस्ट्री में एक्चुअली हो क्या रहा है और किस तरह के लोग हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको मौका मिले इस सीजन में जाने का, तो क्या आप जाना पसंद करेंगे और किसको एक्सपोज करेंगे आप? देखिए, मैं अगर बिल्कुल मुझे मौका मिलेगा तो पहली फुर्सत में मैं जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, और अरमान मलिक को वहां पे बाहर करके दम लूंगा। ये मेरा खुला चैलेंज है अरमान मलिक को और लवकेश कटारिया को, जिसको लवकेश कटारिया अभी नेजी से भी आपने देखा उसकी लड़ाई हुई थी, तो नेजी को भी वो धमकी देकर बाहर आने की। अभी लवकेश तू मेरे साथ तो बाहर आ, कभी एलविश तू कभी मेरे साथ तो बाहर आ, ये बाहर देने धमकी क्या होता है कि बाहर होंगे देख लेंगे। आज फिर अंसारी बाहर है, आज तेरे अंदर हिम्मत है तो कुछ करके बता। तो मैं तो क्लियर बोलता हूँ सर सबके सामने, नेजी को लेके काफी विवाद हो रहा था, क्योंकि नेजी और कटारे की काफी फाइट हुई थी, आप कैसे देखते हैं? नेजी एक अच्छा डिसेंट इंसान है, जितना शो में दिख रहा है, और पॉजिटिव जेन्युइन पर्सनालिटी है। उसको जबरदस्ती आप पिंग करेंगे, जबरदस्ती उंगली करेंगे तो किसी को भी गुस्सा आएगा यार। अगर शेर सो रहा है आप उसको मारेंगे तो वो तो अटैक करेगी। तो नेजी को उसने इतना परेशान किया था, तो नेजी ने उसकी पार्ट लगा दी थी, उसको दो मिनट में उसकी औकात याद दिला दी, लवकेश कटारिया को तेरी औकात ही है। वड़ा पाव गर्ल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वड़ा पाव गर्ल तो सबसे बड़ी छपरी है सर। सबसे पहले तो मैंने उसका खुलासा किया था, मैं खुद दिल्ली में वड़ा पाव खा के आया हूँ, फोटोज आपने देखे होंगे, सोशल मीडिया वायरल हुए। उससे मेरी तबियत खराब हुई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, डॉक्टर्स के पेपर्स हैं, सब प्रूफ से पूरे सर, मेरे पूरे फोटोज वहाँ पे हैं। एक नंबर की छपरी है बॉम्बे में, हमारे 12 रुपए का वड़ा पाव मिलता है, 50 रुपए का वड़ा पाव दे रही है, वो भी अनहाइजीनिक तरीके से बना रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं सर उससे। आप ऐसा कैसा दावा कर सकते हैं? मैं खुद भी एडमिट होकर आया हूँ सर दिल्ली में, मेरे डॉक्टर डॉक्यूमेंट से पूरा आप देखिए, सोशल मीडिया पे बवाल मच चुका है पहले सर, ये एक हफ्ते पहले। ओके, मतलब आप बीमार पड़ गए थे वो वड़ा पाव खा के? उसके बाद उसके हस्बैंड ने, जो वो यश दीक्षित शायद उसका नाम, उसने मुझे धमकी दी थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके खिलाफ भी मेरे ओशीवारे पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेन दर्ज करी, आप जाके देख सकते हैं। ओके, आखिर में दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा हाथ जोड़ के पूरे ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग बिग बॉस देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, इंडिया का सबसे बड़ा शो है, जो जेन्युइन लोग हैं प्लीज उनको फॉलो करिए। लवकेश कटारिया, अरमान मलिक, पायल मलिक, श्रीति मलिक, इन सबको बाहर करके फेंकिए, लात मार के उनको बाहर करिए, जो जेन्युइन लोग हैं उनको सपोर्ट करिए। लेकिन उनको वोटिंग बहुत मिल रही है, अरमान मलिक को, कृतिका को, क्या कहना? छपरी माहौल सर, इनके जो छपरी यूट्यूबर, छपरी दोस्त हैं उनके वही, और जब भी मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ एलविस के जो कुत्ते हैं वो मेरे पीछे लग जाते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं। अभी एक लड़की है वो कुतिया है एलविस की, वो लिटरली वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो कुतिया लड़की है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो, वो मेरे खिलाफ बोल रही है। तो जब भी मैं इनके खिलाफ बोलता हूँ ये अपने कुत्तों काम पे लगाते हैं, जितने कुत्ते कुतिया हैं सब मेरे पीछे सर लग जाते हैं वीडियो बनाने, फैजान अंसारी ये, फैजान अंसारी वो है, लेकिन मैं इनके बाप से डरता नहीं हूँ, हमेशा हमेशा जवाब देता रहूंगा तुम लोगों में। आखिर में दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज जेन्युइन तरीके से जो लोग डिजर्व करते हैं उनको सपोर्ट करिए, छपरी लोगों को बढ़ावा मत दीजिए, आगे माहौल खराब होगा, जितना ही लोग आगे जाएंगे उतना ही खराब माहौल करेंगे। एलविश यादव को जिता के छपरी लोगों ने देख लिया है, वो ड्रग्स के केस में भी उसका नाम आया, स्नेक वेनम में उसका काम, उसका नाम आया, गन रखने का उसका काम आया, धारा भी में 2021 में उसके अगेंस्ट एलविश यादव के एफआईआर दर्ज, वो सामने आया। देखिए अगर ऐसे लोग जीतेंगे तो ये सब सामने आएगा और कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच।